अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोइना बेग है, मैं क्लिनिकल डाइटिशियन हूँ। आज हम एक बड़े इंपॉर्टेंट इशू के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे लोग हज उमरा प्लान तो कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद किसी बीमारी की वजह से, कमज़ोरी, वीकनेस की वजह से उस अच्छे तरीके से इस फ़र्ज़ की अदायगी नहीं कर पाते जैसे इसका हक बनता है। एक रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान में वाइटामिन डी की कमी बहुत कॉमनली देखने में मिलती है। और क्या आप जानते हैं वाइटामिन डी की कमी करती क्या है? सबसे पहले हमारी इम्यूनिटी को यानी कुव्वत मुदाफ़त को बिल्कुल कम कर देती है। इसके अलावा हड्डियों जोड़ों का दर्द, बॉडी में वीकनेस फील होना, थकावट होना, लेथार्जी, ये सब विटामिन डी की कमी की निशानियां हैं। अगर आप हज या उमरा प्लान कर रहे हैं तो आप सबसे पहले अपने विटामिन डी लेवल्स चेक कराएं, आप टेस्ट कराएं ताकि आपको पता चले कि आप में विटामिन डी की कमी तो नहीं है। और अगर आप में विटामिन डी की कमी है तो जिस हिसाब से आपकी कमी होगी उस हिसाब से आपको विटामिन डी का सप्लीमेंट लेना पड़ेगा। अगर आप में विटामिन डी की कमी यानी विटामिन डी डेफिशिएंसी आती है तो फिर आपके पास एक बड़ा अच्छा सोल्यूशन है, सनी डी स्टैट। इसके इस्तेमाल से आपकी विटामिन डी की कमी पूरी हो सकती है। और ये छोटे मसले जिनका हमने अभी जिक्र किया था कि बोन पेन है, वीकनेस है, लेथार्जी है, लो इम्यूनिटी है, इनसे जान भी छूट जाएगी। इसकी डोज किस तरह से एडजस्ट करनी है? सबसे अच्छा तो यह कि आप अपनी लैब्स चेक करवाएं और किसी फिजिशियन या डाइटिशियन से मशवरा करें, क्योंकि कुछ केसेस में हम इसे महीने में एक बार, कुछ केसेस में महीने में दो बार, और बहुत सीवियर डेफिशिएंसी हो तो हर हफ्ते इस्तेमाल कराते हैं। अगर आप जान छुड़वाना चाहते हैं तमाम मसलों से, बार बार बीमार होने से, अपनी इम्यूनिटी को बेहतर करना चाहते हैं तो सनी डी स्टैट को ज़रूर चूज़ करें। और अगर आप हज उमरा प्लान कर रहे हैं तो अभी से इसका कोर्स शुरू कर दें ताकि तब तक आपकी विटामिन डी की डेफिशिएंसी वैसे ही पूरी हो जाए और आप बिल्कुल हेल्दी तरीके से इबादत परफॉर्म कर सकें।